नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ प्रवीण कोमल तुहाडा दोस्त तुहाडा होस्ट ते तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम खबरनामा। खबरनामा दे विच पेश ने कुछ खास खबरां। पंजाब दे विच शलाघायोग पहलकदमी करदिआं आम आदमी पार्टी ने मानसा दे एक अंगहीण जोड़े नूं नगर कौंसल दीआं चोणां विच मान सन्मान दित्ता है। आम आदमी पार्टी ने अंगहीण एसोसीएशन दे सीनियर आगू अविनाश शर्मा दी पत्नी ज्योति शर्मा नूं मानसा दे चंद चैन स्ट्रीट वाले वार्ड विच बतौर उम्मीदवार उतारिया है। गौरतलब है कि उक्त हैंडीकैप जोड़ी लंबे समय तो अंगहीणा दे हितां दे लई जूझ रही है। इस वार्ड दे लोकां दे विच भी इस जोड़ी दे जुझारूपण नूं वेखदे होए इन्हां दे प्रति हमदर्दी दी लहर है। मानसा के सिरकट आगुआ ने फैसला किया है कि एक मौका इस जोड़े नूं भी दिता जाए क्योंकि यह भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। तो आम आदमी पार्टी के इस नवे तजर्बे ते शलाघायोग कदम के नाल मानसा के इस वार्ड का चोण मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है क्योंकि लोगों ने यह शायद जे चुनौती वजों लै लैन कि इस बार असी अंगहीणा भी अजमाना है। तो लोगों का उत्थे यह भी कहना है कि असी जदों सब तो पहला इन्हां नूं अजमाया सी जिहड़े चंगे भले सही सलामत व्यक्ति ने ते जदों इह साडियां आसां दे उत्ते पूरे नहीं उतरे तां असीं हुण इक मौका इस अंगहीण जोड़े नूं भी देवांगे। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों अज चंडीगढ़ स्थित पुलिस हैडक्वार्टर विखे पंजाब पुलिस लई कोविड 19 दी टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की गई। तो इसे दौरान पंजाब दे DGP दिनकर गुप्ता जी नूं भी पहला टीका ला दिता गया। इस तो बाद इत्थे 50 होर लोगों टीके लाए गए। टीकाकरण की इस मुहिम की शुरुआत के मौके इत्थे कैप्टन के नाल नाल सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू भी मौजूद सन। भारत की सब तो पुरानी रेल गड्डियां दे विच एक पंजाब मेल के रूट नूं सोमवार को अचानक बदल दिता गया। जानकारी अनुसार फिरोजपुर तो मुंबई जा रही रेल गड्डी नूं दिल्ली विच नहीं रोकिया गया। सूत्रों का कहना है कि बीती रात फिरोजपुर तो लगभग 1000 किसान पंजाब मेल राही रवाना हुए सन जिहड़े कि दिल्ली के किसान अंदोलन के शामिल होने लई जा रहे सन। उन्हां वल्लों दिल्ली उतरन की वजह कारण रेलगड़ी का रूट ही बदल दिता गया। पर दूजे पासे रेलवे ने बड़ी चलाकी नाल कहा है कि यह सब तकनीकी कारणों करके किया गया है। पंजाब मेल के रूट नूं रोहतक तो हरियाणा के रोहतक तो रवाड़ी वाल बदलते हुए मुंबई लई रवाना कर दिता गया, यानी कि पंगा ही मुका दिता गया। इस तों इलावा एक होर रेलगड्डी जिहड़ी कि गंगानगर तो पंजाब ते हरियाणा विचों हुंदी हुई पुरानी दिल्ली नूं जांदी है इस दे रूट नूं घट करदे हुए हरियाणा दे बहादुरगढ़ तक ही कर दिता गया। स्वराज इंडिया दे मुखी योगिंदर यादव ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि फिरोजपुर मुंबई पंजाब मेल नूं अज सवेरे लगभग 1000 किसानों नूं दिल्ली पुज्जण तों रोकण लई रोहतक तों रवाड़ी भेज दिता गया। जलालाबाद स्थानक चोणां दे लई अपनी पार्टी दे उम्मीदवारां दे परचे दाखल करवाउण लई आए श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल उपर कातलाना हमला करन वालिआं विरुद्ध वख-वख धाराओं अधीन FIR भी दर्ज हो गई है। फाजिलका दे सीनियर पुलिस कप्तान हरजीत सिंह ने कहा कि 4 लोगों नूं सट्टां लगियां हन। एक च जख्मी व्यक्ति नूं फरीदकोट दे गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज ते हस्पताल रैफर किया गया है। SSP ने दस्सिया कि 50 तों वध अणपछाते लोगों के खिलाफ IPC दी धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश अते आर्म्स एक्ट असला कानून के तहत FIR दर्ज की गई है। यह घटना बाद दोपहर जिला फिरोजपुर अधीन पेंदे कस्बा जलालाबाद में उस वेले वापरी जदों नामजदगियां दखल करन दे मौके अकाली दल अते कांग्रेस के समर्थक आपस के भिड़ गए। इस मौके हुई पत्थरबाजी में सुखबीर सिंह बादल की गड्डी जिहड़े कि साबका डिप्टी CM हन नुकसान पहुंचया है, जबकि पुलिस प्रशासन ने दखलअंदाजी करते हुए दोवां धिरां नूं खदेड़ दिता अते लाठीचार्ज किया जिस कारण होर वड्डा टकराव होने तो टल गया। सुखबीर बादल ने जलालाबाद हमले के प्रतिक्रिया देंदे हुए स्थानक MLA ते इल्जाम लाए हैं। उन्होंने कहा कि वह सोचते हैं कि सरकार उन्हां दी बन गई है तो कुछ भी कर सकते हैं, पर 7-8 महीने मिनटां विच टप जाएंगे। तो उधर श्रोमणी अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह ने जारी किए एक बयान में कहा है कि पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल उपर जानलेवा हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि इंज लग रहा है कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान से हमला पहला तो तय योजना के तहत होया है। तो जलालाबाद की पुलिस के एक्शन न लैण कारण जिस कारण हमलावरों हमला करने लिए आसानी नाल मौका मिल गया। उन्होंने मंग की कि इस हमले की जाँच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज की निगरानी होनी चाहिए है। सो दोस्तों फिलहाल खास खबरों के इन्ना ही, तो हुण मैनू दिओ इजाजत। तो इस तो पहले गुजारिश कि दोस्तों
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀ ਵੀ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।